और बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर के सीएम योगी का बड़ा आदेश। यूपी में दुकानों पर लिखना होगा दुकानदारों का नाम, कांवड़ मार्गों की दुकानों पर पहचान भी लिखनी होगी। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कांवड़ रूट पर दिखने लगा है आदेश का असर, क्योंकि अब सभी देखिए जो फल विक्रेता है या फिर अन्य जो ढाबों के संचालक है वो सब अब नाम लिखने शुरू भी कर चुके हैं। यात्रा मार्गों पर बदलने लगे ढाबे और दुकानों के नाम। कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार के आदेश पर विवाद भी छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और लगातार इसको लेकर के अब सियासत भी गरमा गई है। कांवड़ रूट पर देखिए अब नाम बदलने को लेकर के, नाम यहां पर मेंशन करने को लेकर के जिस तरीके से ये जो जंग छिड़ गई है, अब कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के आदेश पर विवाद जिस तरीके से बना हुआ है, इससे सियासत भी पुरजोर तरीके से गरमाती हुई नजर आ रही है। और विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं तमाम चीजों को लेकर के। यहां पर जो भेदभाव है वो किया जा रहा है, इस तरीके से विपक्ष का रुख रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद मुजफ्फरनगर से और बिजनौर से हमारे साथ भी संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले अरविंद आपका रुख करना चाहूंगी। अरविंद देखिए, सबसे पहले शुरुआत अगर इस पहल की हुई थी तो वो मुजफ्फरनगर से ही हुई थी। मुजफ्फरनगर में ही पहला आदेश दिया गया था इस तरीके का, जहां कहा गया था साफ तौर पर जो फल विक्रेता है या ढाबा संचालक है, रेस्टोरेंट के मालिक है, वो अपने अपने नाम वहां पर मेंशन करें दुकानों के बाहर, ताकि स्वेच्छा से लोग अपनी मर्जी से अपने विवेक के हिसाब से वहां पहुंचे। अब क्या कुछ असर वहां पर नजर आ रहा है, लोगों का रिएक्शन क्या है, दुकानदारों के रिएक्शन क्या है? और असिस्टेंट महोदय की संगीता के बाद उन्होंने पुलिस वालों को सबको बताया और पुलिस और प्रशासन के लोग सबको कह रहे हैं कि भाई अपने अपने नाम यहाँ पर मेंशन कर लिए। उसकी एक बड़ी वजह है, पिछली बार यशवीर महाराज जो यहाँ पे मगरा में योग गुरु चलाते हैं और हिंदू धर्म की अक्सर आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी कि कुछ ढाबा संचालक ऐसे हैं जो हिंदू नाम से अपने नाम रखे हुए हैं और देवी देवताओं की मूर्ति लगा के रखे हुए हैं और उसका संचालन वे कर रहे हैं और हिंदू धर्म के अनुसार वे वहाँ पे साफ सफाई या जो चीजें उसमें प्रस्तुत होती है श्रावण मास में उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले साल जब उनकी जांच की गई तो उसमें 8 से 10 लगभग ऐसे ढाबे पाए गए, लेकिन अब की बार पहले ही ध्यान रखते हुए एसएसपी ने इस चीज के निर्देश दे दिए हैं कि हर ढाबा वाले अपना नाम लिखेंगे और बड़े बड़े अक्षरों में जो भी इसको संचालित कर रहा है वो अपना नाम लिखेंगे। इस बात को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो कांवड़ सेवा करते हैं, लेकिन जो लोग अपना नाम नहीं छुपाते, अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, तो ऐसे लोगों को यानी कि मिली जुली राय अरविंद अभी देखने को मिल रही है। कोई इसका समर्थन कर रहा है, स्वागत कर रहा है और कई लोग इसका विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ बिजनौर से महेंद्र भी बने हुए हैं, उनका रुख एक बार कर लेते हैं। महेंद्र, अगर कहा जाए ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले के बाद नाम पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, विपक्ष से हाथों हाथ ले रखा है, तमाम चीजों को लेकर के यहां पर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए धरातल की तो ग्राउंड पर लोगों का इसको लेकर के क्या रिएक्शन है, लोगों की क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिजनौर में 22 तारीख को कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और जिसको लेकर जो आदेश जो सरकार का है उसको लेकर अलग अलग राय लोगों की है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये व्यापार पर हमला है और कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं उसमें चलते हैं आस्था का जो है उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होती है। कुछ लोग दूसरे धर्म के लोग जो नाम बदल के इस तरह ढाबे चलाते हैं वो लोग वहाँ खाना खाते हैं तो उस समय उनको काफी दिक्कत होती है, वहां पर कई बार जो है असमंजस की स्थिति आ जाती है, झगड़े की नौबत आ जाती है। अगर इस तरह का आदेश हुआ है तो सबके नाम लिखे, अगर ढाबों के नाम लिखे हुए होंगे तो जो आज यात्री वहां से श्रद्धालु निकलेंगे उनको काफी आसानी होगी, कहाँ उनको भोजन करना है या कहाँ नहीं करना है। बहुत से लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है व्यापार पर हमला है। जी बिल्कुल, महेंद्र लौटेंगे आपके पास समाजत लगातार, और अरविंद भी बने हुए मुजफ्फरनगर से। अरविंद, लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इससे जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं घात पहुंचेगा, उसको कहीं ना कहीं इससे ठेस पहुंचेगा, इस पर क्या राय लोगों की है? देखिए, विपक्ष का तो यही आरोप है कि व्यापार कुछ तो लेके बाधित होगा, लेकिन प्रशासन यहाँ पे अगर आपको बता दें, जहाँ मैं खड़ा हूँ कि सिर्फ चौक है मुजफ्फरनगर का, यहाँ से लगभग 5 करोड़ के करीब कांवड़ियों के गुजरते हैं और उस टाइम जो कांवड़ियों का हजूम होता है उस टाइम अगर इस तरह की कोई बात आ जाती है तो प्रशासन को संभालना कितना मुश्किल होता होगा आप ये समझ सकते हैं। लगभग 5 करोड़ के करीब कांवड़िया यहाँ पे 22 तारीख से लेकर 4 तारीख तक यहाँ से गुजरेंगे,
और भीड़ इतनी ज्यादा होती है, उसके लिए प्रशासन ने पहले ही इसको सचेत कर दिया है। अगर किसी का नाम मुस्लिम है और मैं वहां जाके कोई खाना खा रहा हूँ या चीजें हैं, तो मैं कम से कम इस बात को लेकर विवाद नहीं कर सकता कि बिल्कुल। अरविंद लौटेंगे आपके पास, कपिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कपिल, देखिए जिस तरीके से लगातार नाम पर बवाल मचा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि यदि कांवड़ मार्ग पर, कांवड़ रूट पर दुकान लगाइएगा तो अपनी पहचान भी बताइएगा, और पहचान को लेकर के, नाम को लेकर के जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, ये फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है मेरठ में जो दुकानदार है उनकी क्या राय है, क्योंकि यहां से भी जो कांवड़ रूट है वो गुजरती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। मेरठ में भी लगातार जो राजनीतिक पार्टी के गलियारे हैं उनमें लगातार चर्चा है कि ये बात सही है या गलत है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ की कमिश्नर ही उनका कहना है कि गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खराब करने की, माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो विपक्ष भाजपा के नेता है, जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सनातनी है, उनका कहना है कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो टोपी से है, तिलक से नहीं है, पगड़ी से नहीं है, आपकी आइडेंटिटी टोपी से है। अगर टोपी लगाकर आप व्यापार करते हैं तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, उसमें अपना नाम लिखिए, अपने होटल का नाम लिखिए। ये कहां का तरीका है कि आप उसके अंदर वैष्णो ढाबा लिखते हैं? बिल्कुल, और नाम पर ये जो विवाद छिड़ा हुआ है ये कहां तक जाता है, देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम